एक बार फिर आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर गलत दस्तावेज पेश करने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में याचिका दायर की गई है। समाजवादी पार्टी के सीनियर और कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर की अदालत में धारा 420 और 468 के अंतर्गत परिवाद दायर किया गया है। यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव नामांकन में दी गई गलत सूचनाओं को लेकर नवाब काजिम अली खान ने दायर कराया है, जिसमें अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता मोहम्मद आजम पर धोखाधड़ी करने और जानबूझकर गलत दस्तावेज पेश करने के आरोप लगाए गए हैं। देखिए ऐसा है, ये काजिम अली, नवाब काजिम अली खान अवैध मियां की तरफ से, मैं इसमें वकील हूँ उनकी तरफ से, और ये मैटर है नामांकन पत्र को लेकर। अब्दुल्ला आजम खान ने जो अपना नामांकन पत्र भरा था उसमें प्रारूप 26 होता है, जिसमें अपनी टोटल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उस इन्फॉर्मेशन के साथ एक एफिडेविट सबमिट किया जाता है कि जो मैंने इस प्रारूप में अपनी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सही है, जो मैंने रिकॉर्ड के आधार पर इसमें इंडोर्स की गई है। तो उसी में ही इन्होंने क्या काम किया कि जो अकाउंट नंबर, जो अकाउंट डिटेल दी है उसके साथ जो पैन कार्ड दिया है वो इन्होंने गलत लगाया है। जो स्टेट बैंक में जो अकाउंट है इनका, जो इन्होंने अपना नामांकन पत्र में मेंशन किया है, उसमें जो पैन कार्ड नंबर दिया है और यहाँ जो नामांकन पत्र में इन्होंने अपना पैन कार्ड जो नंबर दिखाया वो दोनों डिफर है, अलग अलग है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। याचिका के बाद आदेश करते हुए न्यायालय ने वादी के बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यह परिवाद आजम खान के राजनैतिक धुर विरोधी नवाब काजिम अली खान ने अपने वकील के द्वारा दर्ज करवाया है। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।